17 दिसंबर 2005 भूटान में नेशनल डे सेलिब्रेशन चल रहा था। इस खास मौके पर भूटनीज जश्न में डूबे थे। वहीं भूटान के राजा जिग्मे सिंघे अपने देश की जनता को एक नया सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे थे। भूटान में नेशनल डे पर राजा देश के नाम संदेश देते हैं, इसीलिए भूटानी लोग स्टेज की तरफ टकटकी लगाकर अपने राजा के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़े ही देर में जिग्मे सिंघे स्टेज पर पहुंचते हैं और स्पीच देना शुरू करते हैं। लोग भी अपने राजा की बात बड़ी गौर से सुन रहे थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अपने स्पीच के आखिर में जिग्मे सिंघे अचानक से राजगद्दी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। एकाएक उनके इस ऐलान से भूटान के लोग दंग रह जाते हैं। वो हैरान परेशान से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनके राजा इस तरह से उनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन जिग्मे सिंघे फैसला कर चुके थे, क्योंकि भूटान के लोगों को अब उनके नए राजा से रूबरू करवाने का वक्त आ गया था, और ये राजा थे जिग्मे खेसर वांगचुक नामग्याल। जिग्मे खेसर वांगचुक नामग्याल यानी कि भूटान के प्रिंस और जिग्मे सिंघे वांगचुक नामग्याल के बेटे। जिग्मे सिंघे वो राजा जिन्होंने भूटान में ना सिर्फ डेमोक्रेसी को लागू किया बल्कि लोगों के घर घर जाकर उनको इसके फायदे भी समझाए। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि कैसे भूटान के लोग अपने राजा को पिता के बराबर का दर्जा देते हैं। ऐसा ही प्यार उनके दिलों में किंग फोर जिग्मे सिंघे के लिए भी था। भूटनीज तो अपने देश में लोकतंत्र आने से भी खुश नहीं थे, फिर अचानक जिग्मे सिंघे का राजगद्दी छोड़ना उनके लिए दोहरा झटका था। भूटान के इतिहास में ऐसा हो भी पहली बार रहा था जब एक राजा ने जीते जी राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया हो। लेकिन जिग्मे सिंघे ये जानते थे कि तेजी से बदल रहे इस वर्ल्ड सिनेरियो में भूटान को सुरक्षित रखने के लिए नए राजा को तैयार करना बेहद जरूरी है। साल 2008, सिर्फ 28 साल की उम्र में वो जिग्मे खेसर को राजा बना देते हैं। इसी के साथ ही भूटान में एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। भूटान में पहली बार चुनाव होते हैं और जनता अपनी सरकार चुनती है। इस चुनाव में भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबला होता है। लोग भूटान पीस एंड प्रोस्पेरिटी पार्टी को चुनते हैं और भूटान में पहली बार सरकार बनती है। जैसे ही भूटनीज को अपने प्रधानमंत्री और मंत्री मिले, राजा के पास देश के कायदे कानूनों को बनाने के सारे अधिकार खत्म हो गए। लेकिन फिर भी भूटान में राजा की ताकत कम नहीं हुई। इसके पीछे थी किंग फोर जिग्मे सिंघे की स्मार्ट प्लानिंग। दरअसल भूटान के इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर राजा के करीबी थे, इसलिए प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल राजा के हाथों में ही रहा। हैरानी की बात तो ये थी कि भूटनीज भी यही चाहते थे कि उनके राजा ही उनके लिए सारे फैसले लें, यानी कि राजा और प्रजा दोनों खुश। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, अ लीडर सीज द प्रेजेंट बट अ ग्रेट लीडर सीज द फ्यूचर। जिग्मे सिंघे पर यह बात खरी उतरती है। तभी तो उन्होंने बड़ी समझदारी से भूटान को डेमोक्रेटिक कंट्री भी बना दिया और राजा की ताकत को भी बरकरार रखा। लेकिन नए किंग जिग्मे खेसर के सामने अब नई चुनौतियां थी, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती थी चीन। एशियन कॉन्टिनेंट के पूर्व में बसा चीन एक ऐसा देश है जो पिछले 100 सालों में ईस्ट तुर्किस्तान, मंगोलिया और तिब्बत जैसे बड़े एरिया वाले देशों को निगल चुका था। भूटान और चीन 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। इतिहास बताता है कि सालों पहले इन दोनों देशों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन साल 1959 में चीन ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तिब्बत और भूटान एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन 1959 के बाद दुनिया के नक्शे से तिब्बत गायब हो गया और उसकी जगह चीन ने ले ली। इस तरह चीन भूटान के बॉर्डर पर आखड़ा हुआ। भूटान के वांगचुक किंग्स को ये समझते देर ना लगी कि चीन का अगला निशाना भूटान है।
हालांकि भूटान को हड़पना चीन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि भूटान की हिफाजत खुद भारत कर रहा था। भूटान की हिफाजत का वादा तो भारत ने आजादी से पहले ही कर दिया था, लेकिन हाल ही के सालों में भारत भूटान की ये दोस्ती भारत के लिए भी वरदान साबित हुई, क्योंकि इस दोस्ती की वजह से ही इंडिया का चिकन नेक सुरक्षित है। चिकन नेक यानी कि 20-22 किलोमीटर का वो इलाका जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। 1959 में तिब्बत को हड़पने के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे चीन इस चिकन नेक के करीब आता गया ताकि वो इसे काट सके। इस तक पहुंचने के लिए ही उसने भूटान के डोकलाम तक को हड़पने की कोशिश की। चीन को रोकने के लिए खुद इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला और 73 दिनों तक डोकलाम में चीनी सेना के सामने खड़ी रही। लेकिन यहाँ सवाल कई आते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये चिकन नेक का एरिया भारत के नक्शे पर बना कैसे? साल 2017 तक तो किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना था। और दूसरा सवाल ये कि किंग 5 जिग्मे खेसर चीन की चुनौती से डील करने में कामयाब कैसे हो पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा 18वीं सदी में। साल था 1730। दिल्ली के तख्त पर मुगल बैठे थे, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। कोलकाता अंग्रेजों का मेन बेस था और इसी कोलकाता से करीब 750 किलोमीटर दूर थी कूच बिहार रियासत। आज कूच बिहार बंगाल का एक जिला है, लेकिन सालों पहले ये एक रियासत थी। कूच बिहार और भूटान के बीच की दूरी करीब 350 किलोमीटर थी। इसी कूच बिहार के कारण ही भारत और भूटान के रिश्तों में पहले गांठ पड़ती है। हुआ यूं कि अचानक मुगल फौज ने कूच बिहार पर हमला कर दिया। क्योंकि भूटान नजदीक था तो कूच बिहार के राजा मदद मांगने भूटान पहुंच गए। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो पता चलता है कि ये वो दौर था जब शाकद्रुम जा चुके थे और वांगचुक राजा आए ही नहीं थे। शाकद्रुम का मंत्रिमंडल जैसे तैसे भूटान का राज चला रहा था, लेकिन भूटान के लोग इससे नाखुश थे और हालात इतने खराब थे कि जनता कभी भी विद्रोह कर सकती थी। लेकिन फिर भी भूटान ने कूच बिहार की मदद के लिए सेना भेजी। भूटान की सेना ने कूच बिहार से मुगलों को तो खदेड़ दिया, लेकिन खुद इस इलाके पर अधिकार जमा कर बैठ गए। कुछ सालों तक कूच बिहार भूटान का हिस्सा भी रहा, लेकिन फिर यहाँ की सत्ता दो धड़ों में बंट गई और दूसरा धड़ा पहुंच गया अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को लगा कि कूच बिहार जीत कर वो यहाँ के राजा से टैक्स लेंगे, यहाँ व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे। इसीलिए उन्होंने कूच बिहार पर हमला करके भूटान की सेना को वहां से खदेड़ दिया। अब आगे के करीब 100 सालों तक भूटान और अंग्रेजों के बीच लगातार झड़पें होती रही। इसी बीच भूटान में जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और हालात गृह युद्ध जैसे बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की अलग समस्या थी। उनका भूटान जैसा ही झगड़ा तिब्बत के साथ भी चल रहा था और इसी तिब्बत से रूस अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एशिया में अपना पावर बढ़ा सके। अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं तिब्बत रूस के पाले में ना चला जाए, इसीलिए वो जल्द से जल्द तिब्बत से सुलह करना चाहते थे और ये सुलह करवाई उग्गेन वांगचुक ने। भूटान की एक जगह है ट्रोंगसा। उग्गेन वांगचुक वहां के गवर्नर थे। उन्होंने अंग्रेजों की मदद की तो बदले में अंग्रेजों ने उन्हें भूटान का राजा बना दिया और भूटान बन गया ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट स्टेट, यानी कि एक ऐसा देश जिसके रक्षा और विदेश मामले तो अंग्रेजों के हाथ में थे, लेकिन वहां अंदर की राजनीति में क्या हो रहा था इससे अंग्रेजों को कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन साल 1947 में ये सब कुछ बदल गया जब भारत को आजादी मिली। हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया और दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान को बनाने के लिए पंजाब के दो टुकड़े किए गए थे और ईस्ट पाकिस्तान को बनाने के लिए बंगाल के। इसी ईस्ट पाकिस्तान और नेपाल के बीच सिर्फ 20-22 किलोमीटर का एरिया ही भारत के लिए छोड़ा गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिलीगुड़ी नाम का एक पूरा शहर बसा था जिसकी आधे से ज्यादा आबादी
हिंदू थी। ये शहर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए एक गेटवे था। 20-22 किलोमीटर का ये एरिया काफी संकरा था, इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा गया। जो लोग सिलीगुड़ी जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि इस शहर से दो रास्ते निकलते हैं। इसमें से एक रास्ता सिलीगुड़ी को सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से कनेक्ट करता है, ये NH-31A का हिस्सा है। वही दूसरा रास्ता इस कॉरिडोर को गुवाहाटी से कनेक्ट करता है और ये NH-31 यानी कि नेशनल हाईवे 31 का हिस्सा है। सिक्किम के आगे पार चीन है तो हमें कहीं जाना नहीं होता आगे, लेकिन गुवाहाटी के आगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या नॉर्थ ईस्ट में किसी भी जगह पर जाने के लिए आपको पहले NH-31 से होकर गुवाहाटी तक आना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि अगर ये दोनों रास्ते ना हो तो, अगर ये दोनों रास्ते ना हो तो हमारा सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस के कारण ही इसे चिकन नेक कहते हैं। इंडिया के मैप में देखा जाए तो ये बिल्कुल मुर्गी की गर्दन की तरह नजर आता है। जिस तरह एक मुर्गी का सारा शरीर पीछे होता है और गर्दन का पतला सा हिस्सा सिर को जोड़ता है, उसी तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को बाकी के भारत से जोड़ता है। वहीं इसका दूसरा कारण ये है कि ये पूरा इलाका चिकन नेक की तरह सेंसिटिव है। जिस तरह गर्दन कटने से सिर और धड़ का कनेक्शन खत्म, उसी तरह से ये एरिया भारत के हाथों से निकलते ही भारत का भी अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों से कनेक्शन पूरी तरह से खत्म। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट था तो भारत को यहाँ पर सिर्फ 20-22 किलोमीटर की जगह ही क्यों मिली? थोड़ी ज्यादा भी तो मिल सकती थी। इस बेवकूफी के सबसे बड़े जिम्मेदार अंग्रेज हैं। दरअसल अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा करने की जिम्मेदारी जिस ब्रिटिश लॉयर सिरिल रेडक्लिफ को दी थी, उन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में भारत देखा ही नहीं था। ऊपर से उन्होंने इतने हड़बड़े में बंटवारा किया था कि पाकिस्तान के दोनों हिस्से भी एक दूसरे से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर थे। इसी जल्दबाजी में उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बंगाल का एक बड़ा हिस्सा दे दिया, जो नेपाल से इतना करीब था कि बीच में भारत के लिए सिर्फ 20-22 किलोमीटर का इलाका ही बचा था। 1947 में ही जब ब्रिटिशर्स के हाथों से सत्ता इंडियन कांग्रेस के पास आई, तब भूटान के स्टेटस पर भी मंथन होने लगा। ये तय किया गया कि भूटान आजाद रहेगा, लेकिन जैसे वो ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टरेट था, अब वो भारत का प्रोटेक्टरेट होगा। मतलब कि भूटान के विदेशी और रक्षा मामले भारत ही देखेगा। इसके लिए 1949 में भारत और भूटान के बीच एक संधि भी हुई, जिसे दार्जिलिंग संधि कहते हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ये पता चलता है कि ये वो दौर था जब नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे रीजन में 3 देश बन गए थे, ईस्ट पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, और इन तीनों के बीच एक छोटा सा हिस्सा ही भारत को मिला। हालांकि साल 1971 में यही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन चिकन नेक की तरफ अब भी किसी का ध्यान नहीं गया। वो तो जब चीन तेजी से इस तरफ बढ़ने लगा, तब दुनिया को इस कॉरिडोर की असल वैल्यू समझ आई। कहते हैं कि इसी चिकन नेक तक पहुंचने के लिए चीन ने भूटान के साथ सलामी स्लाइसिंग शुरू कर दी। सलामी स्लाइसिंग एक इंग्लिश टर्म है, जिसका मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा करके जमीन को हड़प लेना। मान लीजिए कि दो खेत आसपास हैं, लेकिन उनके बॉर्डर पर कोई फेंसिंग नहीं है। दोनों में से एक खेत का मालिक ताकतवर भी है और लड़ाकू भी। वो जानबूझकर ट्रैक्टर से जुताई करते वक्त दूसरे खेत की जमीन के थोड़ा अंदर तक ट्रैक्टर चला देता है। अगली बार वो फिर थोड़ा सा अंदर तक जुताई कर लेता है। इस तरह वो थोड़ा थोड़ा करके जमीन के एक बड़े हिस्से को अपने खेत में मिला लेता है। लेकिन क्योंकि वो ताकतवर है और झगड़ालू है, इसलिए दूसरे खेत का मालिक सब कुछ देखकर भी शांत रहने को मजबूर होता है। इस हरकत को ही आर्मी की भाषा में सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जिसके जरिए चीन ने अपने पड़ोसी देशों की बहुत सी जमीन को हड़प लिया है और यही उसने किया भूटान के साथ भी। मैप में देखा जाए तो पता चलता है
कि भूटान दो तरफ से चीन से घिरा था। 1959 के बाद से ही चीन ने थोड़ा थोड़ा करके भूटान के बॉर्डर में घुसना शुरू कर दिया था। इसीलिए भूटान के राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक भारत आए और भूटान की सुरक्षा की मांग की। भारत ने भी ये वादा किया कि वो भूटान की हर हाल में सुरक्षा करेगा। साल 1971 में भारत की मदद से ही भूटान यूएन का सदस्य भी बना। लेकिन किंग फाइव जिग्मे खेसर ये चाहते थे कि भूटान भारत से भी मदद लेता रहे और चीन को भी नाराज ना करे। चीन जो कि पिछले कई सालों से थोड़ा थोड़ा करके भूटान की सीमा में घुसा जा रहा था, 21वीं सदी आते आते वो भूटान के दो बड़े हिस्सों चाकरलंग और पासमलंग पर कब्जा कर चुका था। भूटान के नए राजा जिग्मे खेसर ये जानते थे कि एक वक्त जरूर आएगा जब उन्हें चीन से बात करनी ही होगी और इसके लिए 1949 की दार्जिलिंग संधि को तोड़ना जरूरी था। साल 2007 अपनी ताजपोशी से पहले जिग्मे खेसर भारत आते हैं। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और अपने पहले ही दौरे में वो भूटान के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए। ये सौगात थे 1949 की संधि का अपडेशन। हुआ ये था कि साल 1949 में हुई दार्जिलिंग की संधि के मुताबिक भूटान अपने विदेशी और रक्षा मामलों को लेकर भारत पर पूरी तरह डिपेंडेंट था। इतना कि अगर भारत मना कर दे तो वो आर्म्स भी इंपोर्ट नहीं कर सकता था। किंग फाइव जिग्मे खेसर ने इस संधि को अपडेट करवाया, जिसके तहत अब भूटान को विदेश मामलों में भारत की राय लेने की जरूरत नहीं रही। अब वो भारत की परमिशन के बिना आर्म्स भी इम्पोर्ट कर सकता था, यानी कि भूटान अब हथियार खरीदने के लिए आजाद था। हालांकि भारत में इस संधि पर सवाल भी उठे, लेकिन उस वक्त विदेश मंत्रालय ने ये कहकर मामले को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि पुरानी संधि औपनिवेशिक पृष्ठभूमि यानी कि कॉलोनियल बैकग्राउंड पर की गई थी और अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। खैर, एक राजा के तौर पर जिग्मे खेसर के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने पहली ही बार में भूटान को वो अधिकार दिलवा दिया जो हर ताकतवर देश के पास होता है, यानी अब भूटान चीन से बातचीत करने के लिए आजाद था। वही चीन जो भूटान की जमीन पर इंक्रोचमेंट कर रहा था, वो अब डोकलाम तक आ पहुंचा। डोकलाम चीन, भूटान और भारत के बीच का एक प्लेटो है। ये चीन की चुंबी वैली से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है और इसके टिप पर तीनों देशों का ट्राइड जंक्शन पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर इन तीनों देशों के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या कहे के चिकन नेक पर नजर रखी जा सकती है और इस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यही कारण था कि साल 2017 में जब डोकलाम में इंक्रोचमेंट करते करते चीन ने ट्राइड जंक्शन पॉइंट तक सड़क बनाने की कोशिश की, तब इंडियन आर्मी ने उसे रोक दिया। उस वक्त करीब 73 दिनों तक भारत के जवान चीनी सैनिकों को रोके रहे। इस पूरे विवाद को डोकलाम स्टैंड ऑफ के नाम से भी जाना जाता है और उसी स्टैंड ऑफ के बाद से भूटान, भारत और चीन के रिश्ते बदलने लगे। क्योंकि डोकलाम भूटान का हिस्सा था, इसीलिए चीन ने भूटान को एक ऑफर दिया। चीन ने डोकलाम के बदले भूटान को जाकरलंग और पसमलंग वापस देने का वादा किया। अब अगर मैप में देखा जाए तो पता चलता है कि डोकलाम का एरिया सिर्फ 269 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहीं जाकरलंग और पसमलंग कुल मिलाकर 495 स्क्वायर किलोमीटर के हैं, यानी कि डोकलाम से डबल। वहीं जाकरलंग और पसमलंग की जमीन उपजाऊ है और डोकलाम की जमीन बंजर। वैसे तो ये तीनों एरिया ही भूटान के हैं, लेकिन चीन डोकलाम के बदले जाकरलंग और पसमलंग छोड़ने को तैयार था। दूसरी तरफ देखा जाए तो डोकलाम भूटान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए चीन के इस ऑफर पर भूटान का फिसलना जायज भी था। लेकिन क्या भूटान ने इस ऑफर को मंजूर किया? भूटान की तरफ से इस पर कोई खास जवाब तो नहीं आया, लेकिन भारत के लिए भूटान का रवैया जरूर बदला। ये बात पक्की तब हुई जब भूटान ने भारत के साथ अपने बॉर्डर को मैनेज करना शुरू कर दिया।
भारत और भूटान दोनों दोस्त हैं, इसीलिए यहाँ के बॉर्डर भी काफी फ्रेंडली थे। अभी तक इन पर सिर्फ एक आध गेट या चेक पोस्ट बने थे, लोग आसानी से किसी भी देश में आ जा सकते थे। लेकिन साल 2019 में भूटान ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया। वजह बताई गई कोरोना वायरस। पूरे भूटान में लॉकडाउन लगा दिया गया और इसके कुछ महीनों बाद उसने बॉर्डर पर दीवार बनाने शुरू कर दी। जैसे जैसे कोरोना का असर कम हुआ, दुनिया भर के देशों का लॉकडाउन भी खुलने लगा, लेकिन भूटान का नहीं। भूटानी गवर्नमेंट का कहना था कि एक तो भूटान की आबादी वैसे ही कम है, ऐसे में अगर कोरोना फैल गया तो उनके पास तो लोग ही नहीं बचेंगे। ये वजह बताकर भूटान ने पूरे 2 सालों तक अपना बॉर्डर सील रखा। ऐसा ही एक बॉर्डर भारत के जयगांव और भूटान के फोचलिंग शहर के बीच भी था। क्योंकि भूटान में माहौल पीसफुल था, इसलिए बहुत से लोगों ने घर फोचलिंग में बसाए और दुकानें जयगांव में बनाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके घर जयगांव में थे लेकिन उनकी दुकानें फोचलिंग में थी। अब भूटान गेट बंद होने से जयगांव के बहुत से लोगों को घरों में बेकार बैठना पड़ा। वहीं जिन लोगों के घर फोचलिंग में थे वो तो कैद होकर रह गए। इन लोगों ने लॉकडाउन के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि भूटान का लॉकडाउन इतना सख्त था कि घरों से बाहर झांकने तक पर पाबंदी थी। आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च जैसे साधारण सब्जियों के दाम भी 10-10 गुना बढ़ गए थे और पैसा देने पर भी लिमिटेड सामान ही मिलता था। हालात ऐसे हो गए कि छींक आने पर भी क्वारंटीन सेंटर में डाला जा रहा था। 2 सालों तक ये टॉर्चर सहने के बाद लोग समझ गए कि अब भूटान छोड़ने में ही उनकी भलाई है। वही भूटान जो दीवार बना रहा था वो भारत की सड़कों, यहाँ तक कि कई लोगों के घरों के बीच में से होकर गुजरती गई। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन फिर भी ये काम जारी रहा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लॉकडाउन की आड़ में भूटान अपने बॉर्डर को मैनेज कर रहा था। भूटान गवर्नमेंट ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके कहा कि जिन भारतीयों के पास लाइसेंस नहीं है उन्हें भूटान छोड़कर जाना होगा। दीवार बनने के कुछ समय बाद भूटान ने बॉर्डर फिर से अनसील कर दिए। लॉकडाउन से पहले भारत भूटान का जो बॉर्डर एक था अब वो पूरी तरह से अलग हो गया और भूटान में एंट्री करने के लिए भी नए नियम बनाए गए। ये जरूरी कर दिया गया कि भूटान जाने वाले हर शख्स को 10 रुपए और रात भर रुकने के लिए 1200 रुपए की फीस देनी होगी। वही एक कार में सिर्फ एक ही शख्स सवार होकर भूटान गेट में एंट्री कर सकता था। भूटान के इस अजीबोगरीब फरमान के बाद भारत के लोगों का वहां आना जाना काफी कम हो गया। बहुत से लोगों ने अपने घर भारत में ही बसा लिए और भूटान को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालात ये हैं कि अब सिर्फ 8-10 परिवार ही रह गए हैं भूटान में इंडियंस के, और वो भी भूटान छोड़ने की तैयारी में हैं। खैर, इसे भूटान की डिप्लोमेटिक विनिंग ही कहें कि एक छोटे से देश ने बहुत ही आराम से अपने बॉर्डर को मैनेज कर लिया। लेकिन टेंशन तब शुरू हुई जब भूटान और चीन बॉर्डर मैनेज करने की बात करने लगे। अक्टूबर 2021 चीन और भूटान ने एक अकॉर्ड पर सिग्नेचर किए। इस अकॉर्ड में 3-स्टेप एक्शन प्लान शुरू करने की बात लिखी गई थी, जिसके मुताबिक चीन और भूटान में बॉर्डर इश्यू सुलझाने के लिए कई राउंड टेबल टॉक ऑर्गेनाइज किए जाने थे। फरवरी में एक भूटानी डेलीगेशन चीन के दौरे पर भी गया। हाल ही में फ्रेंच अखबार ला लिब्रे को भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने डोकलाम को भूटान, भारत और चीन तीनों देशों के बीच का मुद्दा बताकर भारत की टेंशन को और बढ़ा दिया। जब 3 अप्रैल को भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक नामग्याल भारत आए तो भी डोकलाम को लेकर भूटान की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं भूटान अपने फायदे के लिए चीन की तरफ तो नहीं जा रहा। डोकलाम भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और चीन हर हाल में इस पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए ये दोनों देश भूटान को खुश करने की कोशिश में जुटे हैं। दोस्तों, इतिहास में अक्सर देखा गया है कि 2 महाशक्तियों के बीच एक छोटा सा देश हमेशा खुद को फंसा हुआ महसूस करता है।
लेकिन ये वांगचुक किंग्स की लीडरशिप कहें या फिर भूटान की किस्मत कि दो ताकतवर देश उसे खुश करने में लगे हैं। वैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भूटान अपना 93% गुड्स भारत को एक्सपोर्ट करता है और भूटान की इकोनॉमी भारत पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि भारत को नाराज वो नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर उसे ऐसा ही इकोनॉमिकल सपोर्ट चीन की तरफ से मिल गया तो भी क्या वो भारत के ही पक्ष में रहेगा? ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताएं कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने इंडो भूटान रिलेशन की बदलती कहानी और इन दोनों देशों के बॉर्डर की एक्चुअल कंडीशन को आपके सामने रखने की कोशिश की है। इंडिया के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को घेरने के लिए चीन ने क्या क्या तैयारी कर रखी है, इसकी भी डिटेल स्टोरी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। और अगर आप भी ऐसी जानकारियां हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इस मेल एड्रेस पर मेल कर दें। रेफरेंस लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।